हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चुकंदर की बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आइए देखते हैं कैसे बना है। मैं ये चार बीटरूट ले रही हूँ, चुकंदर भी कहते हैं इसे। इसे छील कर हम कद्दूकस कर लेंगे। इसे छीलना बहुत ही आसान है, इसे सिर्फ ये इस तरह से निकाल देंगे और इसे जैसे आलू छीलते हैं उस तरह से इस तरह से छील लेंगे। इस तरह से हमें सभी को छील लेना है। यहाँ पे छील लिया है चारों को। अब हम इस तरह से यहाँ पे घिस लेंगे। यहाँ पे चुकंदर को कद्दूकस करके ले लिया है। अब हम यहाँ गैस जलाएंगे और कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। और घी डालने के बाद इसमें हम ये घिसा हुआ चुकंदर बीटरूट डाल देंगे और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है धीरे धीरे। इसे हमें बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है। जब इसका पानी सूखने लगे तब हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ पे ये 400 ग्राम हमारा बीटरूट है या चुकंदर, और इसमें हम 125 ग्राम ये चीनी डालेंगे। ये कप से नाप कर 125 ग्राम चीनी डालना है हमें। अब इसे हम इसी में अच्छे से पकने देंगे। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। जब चीनी इस तरह से पिघल जाए तो हम गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे और इसे हम पूरा पानी इसका सुखा देंगे। इसे हमें चलाते हुए इसका पानी सुखा लेना है। इस तरह से भूनते हुए इसका हम पूरा पानी सुखा लेंगे। और ये गाढ़ा हो चुका है तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है, लेकिन बाद में ये अच्छा लगेगा, तो हमें इसे पहले भून कर निकाल लेना है। अब ये चुकंदर हमारा भुन चुका है, तो इसे हम इसी तरह से निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रहे हैं और इसे निकाल कर इसी बर्तन में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। यहाँ पे चुकंदर खाली करने के बाद उसी कढ़ाई में 250 ग्राम दूध, 250 ml दूध ले लिया है, फुल क्रीम दूध, और उसमें हम ये आधा कप पाउडर वाला दूध डालेंगे और इसे हम मिला लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मिलाने के बाद गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए इंस्टेंट मावा तैयार कर लेना है। अगर आप फुल क्रीम दूध ले रहे हैं तो घी नहीं डालना होता है, नहीं तो आप इसमें 2 छोटे चम्मच घी भी डाल लें। अब ये गाढ़ा हो चुका है तो इसी समय हम इसमें 2 से 3 कुटी हुई छोटी इलायची डाल देंगे और इसी समय हम ये चुकंदर जो है इसी में मिला देंगे और इसे अच्छे से सुखा लेंगे चलाते हुए। इसी तरह से हमें इसमें अच्छे से मावे में मिला लेना है और इसमें हमें और चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाउडर मिल्क जो होता है वो भी मीठा ही होता है, तो ये अच्छे से केवल मिलाकर इसे हमें सुखा लेना है। इसे हमें धीमी आंच पे इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। ये चुकंदर जब इस तरह से इकट्ठा होने लगे, कढ़ाई को छोड़ दें, तो फिर हम गैस का फ्लेम लो करके इसे हम अलग कर लेंगे, अलग उतार कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा ये ठंडा होगा चुकंदर, तब तक हम इसमें 3 से 4 चम्मच ये सफ़ेद तिल भून लेंगे। इसे भी हमें लो फ्लेम पे इस तरह से भूनना है।
ये जब थोड़ा सा चिट-चिट करने लगे और इसका कलर हल्का सा गुलाबी होने लगे तब हम इसे उतारेंगे। और चुकंदर में चीनी और मावा आप अपने मन मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको मीठा खाना पसंद हो। यहाँ पे तिल हमारा भुन चुका है तो ये तिल हम इसी चुकंदर में डाल देंगे, बिल्कुल इतना सा बचा कर, बिल्कुल थोड़ा सा तिल मैंने भुना हुआ बचा लिया है, बाकी सब इसमें मिला देंगे। और यहाँ पे दो मुट्ठी काजू छोटे टुकड़े में करके ये भी ले लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप मिलाना चाहें तो मिलाएं, ना मिलाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इसे हम इसमें बहुत ही अच्छे तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से लेंगे और इसे, और इसमें जो मलाई पड़ी हुई थी उससे देखिए कितना अच्छा चिकनाहट है। तो इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे और ये ठंडा होने के बाद और भी बढ़िया जम जाएंगे। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेना है। आप छोटा बड़ा जिस साइज में बनाना चाहें उस तरह से बना लें, और बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे लड्डू तैयार हैं। और इसे आप चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से भुना हुआ तिल डालकर डेकोरेट कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया। इसके कलर पर मत जाइए, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और आप इसे बहुत ही पसंद करेंगे। हेल्दी भी है तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर दें।